हेलो सी, वेलकम टू आवर चैनल द ब्राउन एक्शन। आज की वीडियो बनेगी राजकुमार राव और कृति सैनन के कपिल शर्मा शो के अंदर जो उनका एक एपिसोड था उसके ऊपर। उसका कुछ क्लिप है और ये अपलोड किया गया है लाइव कॉमेडी पे। लाइव कॉमेडी है, लाइव लाइव कॉमेडी कह लें एक तरह का। तो उसमें बेस्ट मोमेंट्स हैं, ये देखते हैं कैसे मोमेंट्स हैं। आप लाइक कर दें, दोनों चैनल सब्सक्राइब कर दें, आई आइकन पर क्लिक कर देख सकते हैं। और भी कपिल शर्मा की वीडियोस पे रिएक्ट किया हुआ है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ देखते हैं कैसे। ये जी हमारा एक दर्दनाशक बाम है, पहले ध्यान दीजिएगा। बहन जी आप ध्यान दीजिएगा, दर्दनाशक बाम है, आपकी उम्र में थोड़ा काम आएगा। अच्छा। देखिए सर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों का दर्द, कंधे का दर्द, बीवी के दर्द को छोड़ के हर दर्द मिटाएगा ये बाम। जादूगर बाम है, आदमी लगाएगा दर्द गायब हो जाएगा। ये वही बाम है जिसने मुन्नी का दर्द गायब किया, शीला को उसकी जवानी लौटा दी। दर्द खत्म हो जाएगा लेकिन ये बाम नहीं खत्म होगा, जितना यूज करेंगे उतना बढ़ता जाएगा। बाम का असली जादू है अपना। और अगर बाम खत्म हो जाए तो कोई बात नहीं, डिब्बे में चूरन भर ले, डिब्बे में गोली भर ले, नहीं तो हम जो है शिजालीत भी लाए हैं वो भी भर ले। तो ये 20 के दो है, 15 का एक है, 20 के दो है, 15 का एक है। बहन जी आपको दे दूं एक? क्या बात है, सुपर सुपर भाई, क्या बात है यार, वाओ, बस जोरदार ताली एक बार राजकुमार भाई के लिए। क्या बात है भाई, एक करियर ऑप्शन है मेरे पास। मतलब हमारे स्टार से क्या क्या काम करवाते हो तुम लोग, मुझे मजा आ रहा था यार। हैं, चल दोबारा आ रहे। दिस कुड बी अनदर कैरेक्टर ना फॉर अनदर मूवी ऑफ योर्स, है ना। बहुत मजा आ रहा था तुमको देखकर, तुम लोग रियली यू आर इनटू इट, यू नो, टोटली। हां, एक्टिंग का काम मिलता है तो मजा आता है। पर ये बहुत देखे होंगे ना बाजी, बसों में दिल्ली में भी लोग आते हैं ना। ऑफ कोर्स बेचने में हम लोग दिल्ली के बसों में जब अपने कंडक्टर ना सी1 सी2 डेस्क टॉप नहीं तोड़ को हमारे कल मुचल लात में लात कर आ जा 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 डीटीसी बस। मैं जो है बस से बहुत ट्रैवल करता था तो गुड़गांव, मतलब समझ आ गया ना, बस पे बड़ा बड़ा लिखा है गुड़गांव, फिर भी गुड़गांव समझ नहीं आ रहा, गुड़गांव बोली ना कोई, हमारे भी अमृतसर में बोलते ना पंजाबी में, था चढ़ा खासा चीचा पकड़ना बागा बटर टारी, दो रुपए सवारी, ये ऐसे बोलते थे। इसका वो याद है कहीं ना कहीं, है ना, चढ़ा खासा चीचा पकड़ना बागा बॉर्डर, मतलब अटारी। अच्छा। उसके बाद पाकिस्तान शुरू हो जाता है, जगहों के नाम बोल रहा है वो। तो तू पहले कंडक्टर था वहां पर। इसको कहते हैं आंखें दिमाग खुली रखना और आसपास जो चीजें हो रही हैं उनको देखना। अच्छा, हाँ, I love you, कपिल। ऐसे तो आप भी झाड़ फूक करने वाली लग रही हैं आज। पर मैं एक किस्सा शेयर करना चाहूंगा जो मैंने आई थिंक आपको आज तक नहीं बताया है। क्या? तो मैं बचपन में बिल्कुल नहीं डरता था। अच्छा, मुझे आप किसी भी ना बचपन में अंधेरे में, अरे नहीं डर लगता है, मैं कभी नहीं डरता था। अच्छा। मुझे आप कहीं भेज दो किसी अंधेरे में, पुरानी हवेली में। फिर एक हॉरर शो आया, दूसरे चैनल का था, उसका पहला एपिसोड में अर्चना मैम थी, मुंडी वाला हाँ। प्लेट में मुंडी और कबर कैसे बजना, और मैंने वो देख लिया अकेले ये सोच के कि मुझे तो डर नहीं लगता है। Then? कपिल सर वो दिन है और आज का दिन है। हाँ। मैं नहीं जाता अंधेरे में अब। आपने जो डराया ना मुझे, I'm so sorry. बहुत डराया आपने, आपने जो मुंडी घुमाई ना प्लेट में ऐसे, मुझे आज तक वो विजुअल मतलब बसे हुए मेरे दिमाग में। एक्चुअली वो पता है वो फोटो अभी भी घूम रही है सोशल मीडिया पे। बट वाकई में बहुत सारे लोग, मेरे फैंस जब कमेंट करते हैं कि हम बचपन में हमने देखा और हम बहुत डरने लगे, तो मुझे इतना बुरा लगता था कि ये सारे, बट आई डोंट नो देम, बट आज तो तुम्हें जानती हो और तुम बोल रहे हो कि तुम डर रहे हो। सच है, तो आप सबको 10-10 लाख रुपए दे खत्म करो ना। तो कुछ अफवाहें हैं जो उड़ती रहती हैं मार्केट में स्टार्स के बारे में, तुम्हारी तक ही पहुंचती हैं। हैं? ये अफवाहें, हम घूमते रहते हैं ना मार्केट में। तो राजकुमार, अफवाह है कि राजकुमार में आपने डबल एम इसलिए लगाया क्योंकि आपको विश्वास है कि डबल एम लगाने से मनी भी डबल आता है। अच्छा, मुझे नहीं पता था, सीरियसली आपने दो डबल एम लगाया? हाँ, डबल एम है राजकुमार राव, सिर्फ फिल्म जो क्रेडिट से मेरे उसमें डबल एम है। कब लगाया? बाकी काफी टाइम हो गया, मनी डबल आया उसके बाद।
हाँ आई गया मतलब। कृति आपके बारे में एक अफवाह है कि हाउसफुल 4 के बाद किसी ने आपको एक लेटर भेजा कि पिछले जन्म में आप मेरी पत्नी थी और मेरे 8 बच्चों की माँ थी। भगवान मुझे सब याद आ गया है, इसलिए मेरे पास वापस आ जाओ। 8 बच्चे मेरे अंदर से निकले होते तो मैं यहाँ नहीं होती। राजकुमार आपने अपना करियर एज ए डांसर स्टार्ट किया था, तो अफवाह है कि कभी कभी स्ट्रगल के दिनों में पैसों के लिए कई बार आप लड़की बन के भी डांस किया करते थे, ये अफवाह कि सच है? ये तो सच है। हैं? सीरियसली? अरे नहीं। पर आप डांस करते थे पहले? मैंने लूडो में लड़की बन के डांस किया है। पर हाँ, जब मैं डांस करते थे हम लोग, तो अगर कभी लड़की नहीं आती थी को पार्टनर, जो किसी की पार्टनर थी, तो मैं बन जाता था, क्या है इसमें। हाँ एक्चुअली राजकुमार एक अफवाह है कि स्टार्टिंग में आपको अपनी एक्टिंग पे भरोसा नहीं था, इसलिए आपने ताइक्वांडो सीखा ताकि मारपीट से काम चला सके। पर आपने ताइक्वांडो सीखा भाजी? हाँ मैंने 9-10 साल ताइक्वांडो किया, मार्शल आर्ट्स किया। How come you've not used it? कभी मौका नहीं मिला। अभी कैसे न्यूटन बन के मैं पंकज त्रिपाठी को वैसे किक्स मार रहा हूँ, तो अजीब लगेगा ना। पर राजकुमार अभी कितने साल हुए होंगे भाजी इंडस्ट्री में आपको? 10 साल। 10 साल, और 10 साल में और इतनी सारी तैयारी करके आए ताइक्वांडो ये वो, अर्चना जी को कितने हो गए? एक भी चीज नहीं मतलब आपने कोई भी चीज छोड़ी नहीं, सब सीखी आपने। सबसे बड़ा टैलेंट मेरे में है, बिना कुछ किए मैं 40 साल इस इंडस्ट्री में हूँ, है ना? क्या बात है। अर्चना जी प्लेट में रख के मुंह घुमा सकती है, आप घुमा सकते हो? देखा मेरे कितने टैलेंट है यार। ये भी उन्होंने एक्सपीरियंस बताना था इसलिए 40 बोले। कल मैंने पूछा आपकी एज क्या, कह रही 32। तो यू आर सो ब्यूटीफुल, ऑलवेज योर फैन। इसी के साथ ही हमारी अफवाहें समाप्त होती है। अच्छा जैसे आप सबको बताया कि हम दो, हमारे दो में राजकुमार अपने लिए माँ बाप ढूंढ रहे हैं ताकि जो है अपना घर बसा सके, लड़कियों की ऐसी डिमांड है। बहुत बार ऐसा होता है, हम स्कूल कॉलेज में भी कभी कभी नकली रिश्तेदार बना के ले जाते हैं। तो आप भाई बंधुओं में से अगर किसी का कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप हमारे साथ अपना किस्सा शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई साहब। हाय एवरीवन, हेलो, मेरा नाम मोंटी है। मेरे साथ भी एक किस्सा हुआ। एक मैं किराने वाली आंटी को मम्मी बना के लेके गया था। किराने वाली आंटी को मम्मी क्यों बनाया? आपको अच्छी लगती थी, आपके पापा को अच्छी लगती थी? अच्छी नहीं लगती थी सर, मैं घर पे बताता तो मेरे को घर वाले मारते। तो 10th क्लास में क्या था सर, हमारे फ्रेंड्स लोगों ने एक टूर ऑर्गेनाइज किया कि हम ऋषिकेश राफ्टिंग करने जाएंगे। अच्छा। तो हम राफ्टिंग करने के लिए गए 4 दिन के लिए, और राफ्टिंग करते करते हमारा 7 दिन निकल गया घूमते घूमते। तो स्कूल में आए तो पता चला कि नाम ही कट गया है। अच्छा। तो नाम कटा तो फिर मैं आंटी को बोला कि आप आंटी मेरे साथ चलो, ऐसे ऐसे किस्सा हो गया है। तो आंटी बोली कि मैं चलती हूँ। मैं बोला कि एक दो मुक्के भी मार देना मुझे सर के सामने। तो वहां पे जाके पता चला तो आंटी ने इतना मारा मुझे, इतना तो मेरी मम्मी ने भी नहीं मारा। आंटी ओवर एक्टर होगी ना। आप क्या करते हैं सर? आप अभी मैं एमबीए कर रहा हूँ सर। एमबीए कर रहे हैं? यस सर। ठीक चल रहा है कि उधर भी लेके जाते हो किसी को? नहीं, नहीं, अब तो ठीक चल रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त मित्र? जी मैडम। नमस्ते कपिल। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? हाय कृति। हाय राजकुमार। हाय मैम। हेलो मैम। मेरा नाम कल्पना है, मैं मुंबई से ही हूँ। और एक बार मेरे साथ ऐसे हुआ था कि जब हॉस्टल में थे तो हमको बाइक राइड जाना था दोस्तों के साथ, और डीन मैम बहुत स्ट्रिक्ट थी तो उनसे परमिशन लेनी थी। लड़कियां बाइक चला रही थी? हाँ। अच्छा। तो मैंने एक दोस्त को फोन किया और उनको रिक्वेस्ट की कि आप मेरे छोटे चाचा बन जाइए, डीन मैम के पास आ जाइए, चाचा बन जाइए। और उनको बोलिए कि मैं उनके छोटे चाचा हूँ और बड़े चाचा बहुत बीमार है तो मैं उनको लेने के लिए आया हूँ। अच्छा। तो वो बोले कि मेरे पास कुछ टाइम वगैरह है नहीं अभी। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने दूसरे दोस्त को फोन किया और दूसरा दोस्त तुरंत तैयार हो गया, तो फटाफट से वो आ गया, मैं चली गई बाइक राइड पे। उसके बाद क्या हुआ, जो पहले भाई साहब थे उनको टाइम मिल गया तो वो पहुंच गया हॉस्टल। अच्छा। और वो उन्होंने बताया डीन मैम को कि मैं कल्पना का जो चाचा हूँ, छोटा चाचा हूँ, और बड़े चाचा बहुत बीमार है तो मैं उनको लेने आया हूँ। ये सब बात हो गई, हम लोग बस मजा करके दूसरे दिन वापस आए। तो तब तक जब मैं हॉस्टल में वापस आई तो मेरे एकदम शॉक हो गई कि मेरे पापा और जो मेरे बड़े चाचा बीमार थे वो सामने खड़े थे। मुझे इतनी डांट पड़ी कि तब से मैं कभी झूठ नहीं बोली है पापा को बाहर जाने के लिए। थैंक यू कल्पना जी। थैंक यू। तो नहीं आगे तो
मदद करने ही दो उसके बारे अकल के साथ फसा नहीं दे रहा हूँ तो बड़ा एक वो टैलेंटेड है राजकुमार राव पता लगता है वर्सटाइल एक्टर है आपको कैसे लगा आपको जरूर बताएं लाइक करें दोनों चैनल सब्सक्राइब करें मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में निकले सी या